प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नयननाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्यार स्नेह दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अपने प्रोग्राम, अपने वीडियो के माध्यम से ज्योतिष कुंडली तथा कुंडली के ग्रहों का ज्ञान प्राप्त कराऊं। आपके सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, मोबाइल नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करें, मैं आपको सहयोग कर दूंगा फ्री रहने पर। कोई बंधु अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, उसका कुछ फीस आपको अदा करना पड़ेगा। फीस देंगे तो आप एक कुंडली का पूर्ण विवेचन मैं कर दूंगा। आप लोग के फरमाइश को आज मैं बना प्रस्तुत कर रहा हूँ, केतु शनि की युक्ति। कुंडली में केतु शनि की युक्ति किस राशि में क्या प्रभाव देता है, इसको ध्यान से सुनिए। जिसके कुंडली में मेष राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, जीवन में ये कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। जिनके कुंडली में वृषभ राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं और समाज में अच्छा व्यवहार बनाते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग बचपन से ही परेशान रहते हैं, ऐसे लोग के चरित्र गिर जाते हैं, इनकी सोच गंदी हो जाती है, इनके विचार गंदे हो जाते हैं। जिसकी कुंडली में कर्क राशि में केतु शनि की युक्ति बैठा हुआ हो, ऐसे लोग उन्नति तो पूर्ण करते हैं, अच्छा सम्मान पाते हैं, परंतु गंदी कमी, गंदी सोच, गंदी विचार के कारण ये अपनी ईमान प्रतिष्ठा धूमिल कर बैठते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, वैज्ञानिक शिक्षा पाते हैं, टेक्निकल शिक्षा पाते हैं और साहित्यकार होते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग केस मुकदमा लड़ते हैं, ऐसे लोगों के चरित्र गिर जाते हैं, जेल जाने की संभावना भी बनती है। जिसके कुंडली में तुला राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, समाज में दूर दूर तक पूजे जाते हैं, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा स्वयं बनाते हैं, रंग से राजा बनते हैं। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि का केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, ऐसे लोग जीवन में आर्थिक कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग अकस्मातिक विवादों में फंस जाते हैं और स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है, उधर संबंधी कष्ट होता है। जिसके कुंडली में धनु राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग जीरो से हीरो बनते हैं, रंग से राजा बनते हैं, ऐसे लोग नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, लोहा संबंधी, पेट्रोलियम संबंधी, धातु संबंधी, कोयला संबंधी व्यापार से अच्छा उन्नति करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं और करोड़ों रुपए के आसामी होते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश से भी धन लाते हैं, कई प्रकार के व्यापार करते हैं, छोटी सी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और अपनी समाज में धार्मिक कार्य भी करते हैं। जिसके कुंडली में मीन राशि में केतु शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग के चौथेपन अच्छे नहीं जाते हैं, ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, इनके संतान से भी विचारों में मतभेद रहता है और आखिरी समय में कर्जदार हो जाते हैं तथा बनाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती है। ये छोटा सा वीडियो केतु शनि की युक्ति कुंडली में किन किन राशियों में क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा, मैं सहयोग करूंगा। इतना करते हुए वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।